जैसा कि हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है ये कंजर्वेटिव फील्ड होता है। 11th में जब हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में। 11th में ही एक चैप्टर पढ़ते हैं ग्रेविटेशन, तो हम लोग जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है ये कंजर्वेटिव फील्ड होता है ना। उसी तरह से ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ये भी कंजर्वेटिव फील्ड होता है। कंजर्वेटिव फील्ड की जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के पास होती है और इसलिए इसको कंजर्वेटिव फील्ड कह सकते हैं, है ना। हम लोग जानते हैं कि जहां जहां पर कंजर्वेटिव फील्ड होता है या कंजर्वेटिव फोर्स होता है वहां पर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी आती है। जैसे बात करें ग्रेविटेशनल फील्ड की, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है कंजर्वेटिव फील्ड है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। स्प्रिंग फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो उसके साथ में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी आती है। मोलिकुलर फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो उसके साथ में मोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी भी आती है। तो उसी तरह से अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो यहां भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आनी चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोग अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। बिल्कुल जिस तरह से हमने बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्पेस में किसी पॉइंट की एक प्रॉपर्टी होती है ना। अगर आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रखा है तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को किसी चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, दो भी चार्ज वहां पर रखा है तो उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स पता चल जाता है ना। मैंने बताया कि अगर इस पॉइंट पर कोई चार्ज पार्टिकल रखा है उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं क्यू इंटू ई, ये बताता है इलेक्ट्रिक फोर्स। बिल्कुल उसी तरह से ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये भी स्पेस में जो पॉइंट होता है उस पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है। डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट पोटेंशियल हो जाता है, जैसे डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है ना। तो अगर इस पॉइंट पर चार्ज रखा है, इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, चार्ज को इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो चार्ज इनटू पोटेंशियल, वो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता चल जाता है, ठीक। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इमेजिनेशन करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, उसी तरह से किसी पॉइंट चार्ज की या सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफिनेशन होता है वो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, है ना। मैंने कहा कि फील्ड के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे निकाले, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, है ना। वर्क पावर एनर्जी में ही हम लोग इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ते हैं कि किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में जब किसी पार्टिकल को स्लोली मूव कराया जाता है तो स्लोली मूव कराने का मतलब ये होता है कि उस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो कैसे होगा, एक तो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा और एक और एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स या वर्क या फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट। दो फोर्सेज लगते हैं, है ना। मतलब कि हम लोग कहें कि एक तो कंजर्वेटिव फोर्स हो गया और एक जो होता है फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट, दोनों मिलकर के जीरो होंगे। नेट फोर्स जीरो होगा, नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा, तभी कहेंगे कि स्लोली मूव कर रहा है ना। मतलब कि वेलोसिटी जो है वो बहुत ही कम होती है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो जाता है। तो किसी कंजर्वेटिव फील्ड में जब कोई ऑब्जेक्ट स्लोली मूव करता है तो इसका मतलब ये होता है, तो यहां से कह सकते हैं एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स होगा वो होना चाहिए इक्वल टू निगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स।
मतलब कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है, तभी दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और नेट फोर्स हो जाएगा जीरो, है ना। तो इसमें कहा गया है कि किसी ऑब्जेक्ट को जो है इन्फिनिटी से, यहां पर चार्ज है ऑब्जेक्ट के बदले में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो है इन्फिनिटी से स्लोली उस पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज रखा गया हो, जैसे कि एक पॉइंट चार्ज रख देते हैं, मान लेते हैं कि ये है सोर्स चार्ज, ठीक है। सोर्स चार्ज का मतलब है इसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है ना ये चार्ज हो, कोई चार्ज जो है हमें रखना है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो उस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल पता करना होगा जहां पर उस चार्ज को रखेंगे। तो पोटेंशियल पता करने का तरीका क्या बताया यहां पर, तरीका यह बताया कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे। हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, ठीक है, बाद में क्यू का वैल्यू वन रख देंगे जैसा इसमें कहा गया यूनिट पॉजिटिव, तो पहले क्यू रख लेते हैं बाद में क्यू की वैल्यू वन कर देंगे, ठीक। तो देखेंगे कि ये जो सोर्स चार्ज है इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा किधर, राइट ऑर्डर डायरेक्शन, रिपल्शन होगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन का मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स राइट ऑर्डर डायरेक्शन में लगेगा और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वही यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स इधर लग रहा है, ये लगेगा, मान लेता हूं कि यहां से ये एक्स डिस्टेंस पर है ना, ये चार्ज जो है ये एक्स डिस्टेंस पर है, उसको लाना कहां पर है, यहां से आर डिस्टेंस पर, हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो इस चार्ज को इन्फिनिटी से स्लोली मैं इधर ले आऊंगा, है ना। तो चूंकि ये उसको रिपेल कर रहा है तो मुझे फोर्स उल्टा डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा ताकि इस कंजर्वेटिव फोर्स को कैंसिल कर सके, तो एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स होगा वो इधर लगेगा, कंजर्वेटिव फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, कूलम्स लॉ से मैंने लिखा, दो चार्ज का मल्टीप्लाई किया और दोनों के बीच का सेपरेशन का स्क्वायर नीचे, है ना। तो एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड भी इतना ही होना चाहिए, बस डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड भी आएगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक। तो जैसा कि कहा गया कि जो पोटेंशियल होता है ये होता है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, है ना। ऐसा करते हैं पहले वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट निकाल लेते हैं, बाद में क्यू का वैल्यू वन रख देंगे तो वही पोटेंशियल हो जाएगा। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट का मतलब हुआ एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, चूंकि देख सकते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स जो है वो एक्स डिपेंडेंट है, वेरिएबल फोर्स है, जैसे जैसे इन्फिनिटी से इधर लाएंगे एक्स वेरी करेगा तो ये फोर्स भी वेरी करेगा, और वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन से, तो मैं यहां पर इंटीग्रेशन से निकाल रहा हूं, है ना। अब ये जो चार्ज है इसको इन्फिनिटी से ले आना है इस पॉइंट तक, तो यानी कि इन्फिनिटी से, इसमें एक्स वेरिएबल है तो एक्स की वैल्यू पहले इन्फिनिटी होगी, शुरू में इन्फिनिटी पर था और बाद में यहां आएगा तो ये फाइनली एक्स की वैल्यू आर हो जाएगी, ठीक। अब जैसे जैसे उसको इधर लाएंगे तो ये एक्स डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये जो डीएक्स है एक्चुअली में चेंज इन एक्स है, स्मॉल चेंज इन एक्स, तो यहां पर माइनस साइन लगाना चाहिए क्योंकि एक्स डिक्रीज हो रहा है, है ना। अब एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड रखते हैं यहां पर के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस डीएक्स इन्फिनिटी टू आर, ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के क्यू क्यू, ये तो कांस्टेंट है, वन बाई एक्स स्क्वायर का जो आएगा इंटीग्रेशन वो आएगा माइनस वन बाई एक्स, लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी टू आर, ठीक। तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा तो आएगा के क्यू क्यू डिवाइडेड, ऐसे ही रहने देते हैं, लिमिट रख देते हैं, ये माइनस और माइनस में कैंसिल कर देता हूं, तो रखेंगे पहले x के जगह पर r, माइनस वन बाई एक्स के जगह पर इन्फिनिटी,
है ना, तो ये आ गया के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर, है ना। तो देख सकते हैं कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो है वो इतना आया है। अब अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो या पोटेंशियल निकालना हो, पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम चार्ज क्यू, तो ये जो पोटेंशियल होगा ये होना चाहिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये जो टेस्ट चार्ज है ना, या तो क्यू का वैल्यू मैं वन कर दूं, या डायरेक्ट लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज, एक ही बात है। तो या तो मैं इसमें क्यू से डिवाइड कर दूं या क्यू का वैल्यू वन रख दूं, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा कितना, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, है ना। तो ये हो गया के क्यू बाई आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू, है ना। मतलब पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर इतना जो है ये पोटेंशियल आ गया। अब जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक। तो ये जो पॉइंट चार्ज हमने लिया था, इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहां ले आए, ठीक है। तो जब ये जो पॉइंट चार्ज अगर इस पॉइंट पर होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसको कैसे निकाले देखते हैं यहां पर, है ना। तो सबसे पहले मैं यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को एक बार डिफाइन कर लेता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसको डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a charge at a point is equal to the work done by external agent in slowly bringing it from infinity to that point। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे यह सोर्स चार्ज हो गया, ठीक है, यह सोर्स चार्ज हो गया, इसने आसपास में फील्ड क्रिएट किया हुआ है। तो इसके फील्ड के अंदर सपोज आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट याद रखा क्यू हमने, तो इस पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो इस पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उसका डिफिनेशन यहां बताया गया। क्या बताया गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली ब्रिंगिंग इट, इसको स्लोली लाना है कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इसको इन्फिनिटी से स्लोली यहां पर ले आना है। तो स्लोली यहां से यहां लाने में एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा या हम जो वर्क करेंगे वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। तो देखेंगे इसका डिफिनेशन में और ये जो पोटेंशियल का डिफिनेशन था उन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है। यहां पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया और यहां पर, है ना, मतलब यहां पर यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से ले आए थे स्लोली, और यहां पर जिस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो उस पूरे चार्ज को इन्फिनिटी से यहां ले आए, बस ये फर्क है। वहां पर यूनिट चार्ज लाया, यहां पर पूरा चार्ज को ले आए, बस इतना सा ही फर्क है। बाकी दोनों का डिफिनेशन जो है वो एक जैसा है।
ठीक है। तो इस डिफिनेशन के हिसाब से अगर मैं निकालूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये जो क्यू चार्ज है इसको इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क होगा वो तो हमने यहां भी निकाला है ना, वैसा ही चार्ज को, क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से यहां ले आए हम लोग और वर्क भी हमने निकाला था। तो वर्क डन कितना आया, वर्क डन आया है के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर, ये वर्क आया है। और इस डिफिनेशन के हिसाब से यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, ठीक। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो स्पेस में किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है। अगर उस पॉइंट पर चार्ज को रखेंगे और चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो क्या करेंगे, उस चार्ज को उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो देखते हैं उस तरीके से, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल से निकालूं, जैसे ये चार्ज है क्यू और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने से देखेंगे ये क्यू हो गया और यहां पर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ध्यान रखना कि इसके कारण से, सोर्स के कारण से पोटेंशियल क्रिएट होता है, ये तो टेस्ट चार्ज है, इसके कारण से फील्ड क्रिएट हो रखा है, इसके कारण से पोटेंशियल क्रिएट हो रखा है ना। ये सोर्स चार्ज, इसने कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहा, ये तो एक्सपीरियंस कर रहा है बस। तो हमने कहा कि इसके कारण से यहां पर जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो इस चार्ज की यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में पोजीशन डिपेंडेंट होती है, अलग अलग पॉइंट पर इस चार्ज को ले जाएंगे तो अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है। तो इसलिए पोटेंशियल भी अलग अलग पॉइंट पर अलग होता है ना। तो यहां से करके देखते हैं, ये जो पोटेंशियल आया है, पोटेंशियल की वैल्यू हमने निकाला था, ये आया था के क्यू बाई आर। तो देख सकते हैं कि ये वाली पोटेंशियल एनर्जी जो आई वो जो ऊपर आया था उसके बराबर ही आ गया है ना। तो एक्चुअली में पोटेंशियल का जो यूज है वो यूज है या तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैलकुलेट करने के लिए या किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, ये दोनों काम के लिए इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज होता है ना। हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है, जैसे कि ये चौक है ना, तो इस चौक को मैं धीरे धीरे ऊपर ले जाता हूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ग्रेविटेशन, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उस फील्ड में चौक रखा हुआ है, तो इस चौक को जैसे ऊपर ले जाते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। क्यों, क्योंकि एक्चुअली में ऊपर ले जाने से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बढ़ रहा होता है, ठीक है। इस पॉइंट पर पोटेंशियल कुछ और होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और भी ज्यादा होगा। तो अगर मुझे यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या करूंगा, ग्रेविटेशन में हम लोग क्या करते थे, मास को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करते थे, ग्रेविटेशन में मास इंटू पोटेंशियल करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मास के जगह पे चार्ज आ जाता है, तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। ग्रेविटेशन में मास इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एक जैसा कहानी है दोनों।